बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर इन दिनों दुर्ग पुलिस लगातार बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही है। पहले सट्टा कारोबारियों के खिलाफ में, उसके बाद अवैध अहाता कारोबारियों और अब शहर के बड़े कबाड़ी कारोबारी के खिलाफ में कार्रवाई की है। बता दें कि CSP वैभव बैंकर ने निर्देशन पर दुर्ग कोतवाली ने शहर के बड़े कारोबारी पर शिकंजा कसा है। दुर्ग में चोरी का सामान चोरी होने की सूचना पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों ने बताया है कि वाहन और वाहन में लोड लोहे का सामान भी नदीम कबाड़ी का है। आपको बता दें कि नदीम कबाड़ी दुर्ग शहर के सबसे बड़े कबाड़ी कारोबार में से एक है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के खिलाफ में कार्रवाई की जा रही है। जी, 10 तारीख को हमें दुर्ग कोतवाली थाने को ये सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि कोई एक गाड़ी जो है वो गंजपारा दुर्ग साइड से कुछ चोरी का सामान जो है वो लेकर चल रही है। उस पर दबिश देकर हमने जो दुर्ग कोतवाली की जो टीम थी उसने पकड़ी ये गाड़ी को, और गाड़ी में कुछ लोहे का सामान जो चोरी का सामान था एवं रेलवे का कुछ चोरी का सामान था वो पाया गया था। वो सामान के आधार पर जो उसकी सामान की जुमला कीमत 3,02,000 रुपया की जा रही है।